हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया है। जैसे कि दोस्तों जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूं। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों अच्छे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके, और देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है कि सॉल्व कैसे करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चुटकियों में सॉल्व करोगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2004 में पूछा गया है, और यहां पर दिया गया है दोस्तों कि ये टर्मिनेशन का कोड 12345671586 दिया हुआ है, और आपको क्या करना है दोस्तों, मोशन का कोड आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल दोस्तों, जब भी ऐसे लेटर दिया जाए और नंबर दिया जाए तो करना क्या होता है, लेटर के नीचे नंबर लिख लेना होता है। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, उसके बाद दोस्तों यहां पर 7, फिर यहां पर 1586 नंबर लिख लिया। उसके बाद क्या करोगे, आप देखोगे यहां पर कि यहां पर पहले M दिया हुआ है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं MOTION, मोशन, ठीक है। तो M का कोड देखिए यहां पर 4 है, तो यहां पर 4 लिखूंगा। O का कोड 8 दिया है, तो यहां पर 8 लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों देखिए T कहां पर दिया हुआ, यहां पर दिया, तो T का कोड क्या है, 1 है, तो यहां पर 1 लिखूंगा। I का कोड यहां पर 5 दिया है, O का कोड पहले लिखा था मैंने, यहां पर लिख दूंगा 8। उसके बाद N का कोड यहां पर 6। अब चेक करूंगा मैं कि ये नंबर कहां पर मैच हो रहा है, तो यहां पर 4, 8, 1, 5 कहां पर है, 4, 8, 1, 5, 8, 6 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। तो ऐसे ही दोस्तों इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके हम, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, और यहां पर दिया क्या है दोस्तों कि यहां पर गोल्फ का कोड दिया है 44 और यहां पर बॉल का कोड दिया है 31 दिया है, और आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले का कोड निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या किया था आपने कि लेटर के नीचे नंबर लिख लिया था, लेकिन यहां पर दोस्तों लेटर यहां पर 4 दिए हुए और नंबर 2 दिया है, तो वो ट्रिक तो काम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहां पर दिया हुआ है गोल्फ, जो दिया हुआ है इसका लेटर का नंबर लिख लेंगे। तो नंबर कैसे याद करेंगे, आइए आपको बताता हूं। देखिए G4 गाना होता है, गाने में 7 सुर होते हैं, मतलब यहां पर 7 नंबर आ गया। O मतलब दोस्तों 15 अक्टूबर, और L मतलब लव, जिसको प्यार हो जाता है उसके बच जाते हैं 12, मतलब यहां पर क्या होगा दोस्तों 12 होगा। F मतलब फिक्स मतलब 6, तो मतलब यहां पर नंबर क्या होगा 6 होगा। इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 40 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर तो 44 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सिंपल दोस्तों यहां पर मैं प्लस 4 कर लूंगा तो मुझे 44 मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रिक यहां पर काम आएगी नहीं आएगी, ये भी चेक करना होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों बॉल दिया हुआ है, ठीक है, तो B का नंबर कितना होता है 2 होता है, A का नंबर 1, L का नंबर 12 और यहां पर 12, 24, 25, 26, 27, तो यहां पर 27 है। प्लस 4 करूंगा तो मुझे मिलेगा 31, तो आप देख सकते हो यहां पर 31 दिया है, मतलब ट्रिक आ गया है हमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर दोस्तों PLAY प्ले दिया हुआ है, नंबर कैसे याद रखोगे, P मतलब 16 साल का प्रिंस, तो यहां पर लिखोगे 16, L मतलब लव मतलब 12, A का नंबर 1 और Y का नंबर क्या होगा 25 होगा, ठीक है। इन सब नंबर को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 54 मिलेगा। सब में आपने 4 प्लस किया था आपने, तो यहां पर भी प्लस 4 करूंगा तो मुझे मिलेगा 58 मिलेगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके हम, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल एग्जाम 2020 को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दो क्वेश्चन आपको कराया मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखिए स्ट्रेट का कोड दिया हुआ है, यहां पर देखिए उल्टा सीधा यहां पर लेटर दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर थर्सडे का कोड आपको फाइंड करना है, ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट ऑप्शन, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो दिया हुआ है स्ट्रेट वो लिख लेंगे इस तरह से STRAIGHT, इस तरह लिख लीजिए। उसके बाद देखोगे जो ये दिया हुआ है उसके नीचे लिख लीजिए, तो यहां पर TSARGIT और यहां पर H, ये लिख लीजिए। अब देखोगे दोस्तों ध्यान से आप, तो आपको लॉजिक मिल जाएगा। देखिए क्या लॉजिक, देखिए ये ऐसा हो गया, ये देखिए ऐसा क्रॉस में, ये ऐसा है, ये देखिए क्रॉस में कोडिंग दिया हुआ, देखिए इस तरह से। आप समझ गए होंगे कि अब थर्सडे का कोड क्या होगा, सिंपल लिखूंगा TH U R S D A Y,
सबसे पहले यहां पर टी है, तो टी के देखिए सामने यहां पर टी आएगा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, एच आएगा, यहां पर यू, और यहां पर आर, यहां पर एस, यहां पर डी, यहां पर ए, और यहां पर वाई। कहां पर दिया है दोस्तों, देखिए एच टी आर यू डी एस फिर वाई ए, कहां पर दिया एच टी आर यू डी एस वाई ए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली लिखकर लॉजिक फाइंड कर पाओगे, राइट। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 2004 में पूछा गया है, और यहां पर दिया है दोस्तों समर का कोड दिया हुआ, रनर दिया हुआ है, और दोस्तों विंटर का कोड आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल दोस्तों काम करेंगे कि यहां पर जो दिया हुआ है वो हम यहां पर लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद जो ये दिया हुआ है दोस्तों उसको नीचे लिख लेंगे, तो यहां पर R U N N E R ये इस तरह से लिख लिया मैंने। अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो वो दिखाई देगा यहां पर R R E E और यहां पर S R U U दिया हुआ है। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया काम करते हैं, सबसे पहले विंटर को लिख लेते हैं यहां पर, तो यहां पर W I N T E R ये लिख लिया मैंने। अब ध्यान दोगे दोस्तों यहां पर R तो यहां पर R है, तो इसको सेम टू सेम लिख लूंगा मैं। यहां पर E और यहां पर E दिया हुआ है तो यहां पर भी सेम टू सेम लिख लूंगा मैं। यहां पर दोस्तों M के बाद यहां पर N दिया हुआ है, तो यहां पर T के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहां पर S T U, तो यहां पर लिखूंगा मैं U लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर M के बाद N है, तो यहां पर N के बाद क्या आएगा दोस्तों, O आएगा, तो यहां पर O लिखूंगा मैं। अब देखिए यहां पर U और U सेम सेम दिया हुआ है, तो यहां पर I दिया है तो I भी सेम लिख लूंगा मैं, और यहां पर देखोगे R उसके बाद S दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, V होगा उसके बाद W होगा, राइट। तो यहां पर ये दोस्तों देखना होगा ऑप्शन में कहां दिया हुआ है, तो देखोगे V I O U E R दोस्तों ऑप्शन B में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों लॉजिक लगा के इजीली आंसर निकाल पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2004 में पूछा गया है, यहां पर दिया क्या है दोस्तों कि गो का कोड अगर 32 है तो सी का कोड 49 दिया है, तो सम का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर जी वाला नंबर लिख लेता हूं, मतलब जी जो लेटर दिया हुआ उसका नंबर लिख लेता हूं सबसे पहले। तो जी का नंबर क्या होता है, 7 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, तो यहां पर 15 प्लस 7 करूंगा तो मुझे मिलेगा 22 मिलेगा, राइट। तो यहां पर 32 लाना है तो प्लस 10 कर लूंगा तो मुझे 32 मिल जाएगा, राइट। अब दोस्तों क्या करूंगा मैं, यहां पर दिया है सी दिया हुआ है तो इसका कोड लिखूंगा, एस का कोड होगा 19 होगा, एच का कोड होगा दोस्तों 8 होगा, ई का कोड क्या होगा दोस्तों, ई का कोड होगा 5 होगा। अब 19 8 प्लस 5 13 इनको प्लस करोगे, 9 प्लस 3 कितना होगा 12 होगा, 2 कैरी 1 और यहां पर 32, लेकिन यहां पर 49 दिया है, यहां पर प्लस 10 किया था तो यहां पर भी प्लस 10 करोगे तो 49 तो नहीं आएगा, लॉजिक फेल। तो क्या करेंगे दोस्तों, आरआरबी 2004 में पूछा गया था तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, तो ये लॉजिक दोस्तों बिल्कुल अलग है। देखिए क्या होगा, एक काम करता हूं मैं, यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये लिख लेता हूं मैं। ये क्यों लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा, हो सकता है रिवर्स वे में दिया हो, कि रिवर्स वे के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर जी दिया हुआ है, तो जी कहां पर है, ये रहा जी। अब जी का रिवर्स लेटर देखोगे टी, तो टी का नंबर क्या होता है, टी 20 होता है, तो यहां पर 20 होगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूं दोस्तों, मैं यहां पर कुछ अलग वे में लिखता हूं, कैसे, जैसे कि दोस्तों यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इस तरह से रिवर्स वे में लिख दिया, अलग टाइप का, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पर जी का नंबर देखोगे, जी का नंबर क्या 20 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 20, राइट। ओ का नंबर देखोगे यहां पर 12, प्लस कर लिया 32 आ गया। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड किया मैंने। अब देखोगे यहां पर एस का नंबर देखोगे 8, तो यहां पर 8, H का नंबर देखो यहां पर H का नंबर क्या है, यहां पर 19 है, राइट, तो यहां पर 19 लिखा मैंने। E का नंबर देखोगे 22, अब इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको 49 मिलेगा, राइट। तो इस तरह दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर सम,
तो एस का कोड क्या होगा, यहाँ पे 8 लिखा था तो यहाँ पे 8 लिख देता हूं मैं। ओ का कोड क्या है, देखिए ओ का कोड 12 है तो यहाँ पर 12 लिखूंगा। और यहाँ पर एम का कोड क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर 14 दिया है तो यहाँ पर 14 लिखूंगा। और ई का कोड क्या दिया दोस्तों, ई का कोड 22 दिया हुआ है तो यहाँ पर 22 लिखूंगा। अब 12 + 8 = 20 + 10 = 30 + 34 + 20 कितना होगा दोस्तों, 54 + 2 कितना होगा, 56 होगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आपको कोई लॉजिक ना मिले तो उल्टा करके भी देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर फ्रिज का देखिए आप यहां पर कोड दिया है GTLHLK दिया हुआ है, काफी अलग टाइप का लेटर दिया हुआ है। तो काम करता हूं मैं इस तरह से यहां पर लिख लेता हूं और नीचे लिखूंगा जी, यहां पर टी, यहां पर एल, यहां पर एच, यहां पर एल और यहां पर के, ये लिख लिया मैंने। अब ध्यान दोगे दोस्तों तो यहां पर एफ, एफ के बाद ही जी आ गया है, यहां पर आर, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, मतलब यहां पर क्या हुआ, प्लस टू का कंसेप्ट है। यहां पर आई, आई फिर जे, के, एल, मतलब प्लस थ्री हो गया है, समझ रहे। यहां पर डी दिया है, डी के बाद दोस्तों देखिए डी, उसके बाद क्या आएगा यहां पर ई, एफ, जी, एच, मतलब प्लस फोर। यहां पर दोस्तों प्लस फाइव हुआ है, यहां पर प्लस सिक्स हुआ है और यहां पर क्या हुआ, प्लस वन हो गया। अब समझ रहे हो, इस तरह से आपको मेंटेन करना है। चलिए यहां पर दिया हुआ दोस्तों किसका कोड फाइंड करना है हमें, यहां पर दिया हुआ है यहां पर के ई टी टी एल ई, इसका फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, के बाद तुरंत क्या आएगा, के बाद एल आएगा, एल लिख लिया मैंने, ई, ई के बाद एफ, जी, तो यहां पर जी लिख दूंगा। ऑप्शन देख सकते हो कहां पर दिया हुआ है, अरे आगे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बता सकते हो। और दोस्तों आपको लगता है कि आगे मैंने सॉल्व नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम दोस्तों, आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हो कि बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ चुके हो। और दोस्तों कहना चाहूंगा दोस्तों, ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।